हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेक्ट्रम एजुकेशन क्लासेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। अगर आपने सीरीज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू आप उन वीडियोज़ को भी देख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बट वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट द क्लास टेंथ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। ठीक है, कृषिनगर एक जगह है, उस जगह में क्लास टेंथ के बच्चों के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट उन्हें दिया गया था गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर इज प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो बाउंड्री पर गुलमोहर का पेड़ प्लांट करा गया। ठीक है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से ये सारे 1 मीटर की डिस्टेंस पर चारों तरफ मीन्स टू से प्लॉट के बाउंड्री पर कवर कर दिया गया है। देर इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन साइड अ प्लॉट एज शोन फिगर। ये जो ट्राइंगुलर शेप दिया हुआ है ये क्या है, ग्रासी लॉन है। ठीक है, द स्टूडेंट हैव टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। जो ये एरिया बच गया ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया में बच्चों को प्लांट्स लगाने, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूल वाले पौधे लगाने हैं। सो अब हमारे पास इससे रिलेटेड और इस फिगर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन से उन्हें हमें आंसर करना है। ठीक है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए। ठीक है, ए को ओरिजिन बताया गया, मीन्स ए को ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको पता है जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 होता है। मीन्स टू से कोऑर्डिनेट जो होता है 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। एक तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है एंड दूसरा कौन सा होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। सो सपोज ये हमारा, अगर ये पॉइंट है, ये पूरी लाइन हमारी हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकली लाइन जो होती है हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जहाँ पर कट होती है वो हमारा ओरिजिन, हम कह सकते हैं वो ओरिजिन है। ठीक है, सो ओरिजिन है। ओरिजिन का क्या होता है कि एक्स पॉइंट भी 0 होता है एंड वाई पॉइंट भी 0 होता है। तो दोनों पॉइंट्स हमारे ओरिजिन के 0 0 होंगे। अगर ए को ओरिजिन बोला गया है तो मीन्स टू से ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 एंड 0। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सो ए का कोऑर्डिनेट यानी एक्स का पॉइंट 0, एक्स पर भी 0 एंड वाई पर भी 0 होगा। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी आपको, कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालते हैं, एक्स का नंबर एंड वाई का पॉइंट। एक्स का पॉइंट एंड वाई का पॉइंट दोनों को हम लिख देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। तो पी का हम देखते हैं अगर यहाँ पर, सो पी हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये 4 पर। सो पी हमारा 4 पर आ रहा है एंड पी का पॉइंट एक्स पर 4 पर आ रहा है एंड पी का पॉइंट जो हम वाई पर अगर चेक करेंगे तो कितने पर आ रहा है, सपोज़ ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6। सो पी का एक्स पर एक्सिस पर आ रहा है 4 एंड वाई एक्सिस पर हमारा 6 आ जा रहा है। ठीक है, सो हमारा पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर का कोऑर्डिनेट हमें सिमिलरली इसी तरह से फाइंड आउट करना है। सो आर के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये हमारा सीधी लाइन आ रही है, सो एक्स पर जो मीट कर रही है वो 5 पर कर रही है एंड वाई के लिए अगर हम चेक करें यहाँ पे, वाई के लिए 5 पर। सो एक्स का हमारा यहाँ पर, एक मिनट में सही से चेक कर लूँ, यहाँ पर ये चीज़ आ रही, तो एक्स का सपोज ये 6 आ रहा है। ठीक है, ये एक्स का हमारा यहाँ पर एक्स के लिए हम यहाँ पर 6 शो करेंगे। लाइनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, स्केल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर के लिए हम 6 यूज़ करेंगे यहाँ पे और वाई के लिए हम 5 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देन हम
फोर्थ पार्ट देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सो डी का ये है हमारे यहाँ पे। सो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम नंबरिंग और यहाँ पे कर लेते हैं। 1, 2, 3 10 तक तो है, ये 11 हो जाएगा, 12, 13, 14, 15 एंड 16। सो डी तक पहुँचने के लिए एक्स पर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, 16, एंड वाई पर, वाई तो यही हमारा 0, ये वाई ऊपर मूव नहीं हुआ है तो वाई का क्या हो जाएगा, 0। सो डी का कोऑर्डिनेट 16 एंड 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड फिफ्थ पार्ट हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट है। नाउ लास्ट फिफ्थ पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी का बताना है, ठीक है, पी बताना, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ, पी का कोऑर्डिनेट बताना है इसका, अगर इसको ओरिजिन माना जाए। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। सो अगर इस साइड हम मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव रहता है, यानी +1, +2, +3, +4 इस तरह से। अगर इस साइड मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट के, अगर इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, रेफरेंस पॉइंट से अगर इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है। सो सम्पोज हमारा डी है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट से हम इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, सो हमारा माइनस में चलेगा। तो हम यहाँ तक आएंगे, सो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। सो पी के एक्स से अगर हम डी से इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो हमारा एक्स एक्सिस पर -12 हो जाएगा। एंड वाई एक्सिस का देख लेते हैं, वाई एक्सिस मीन्स इस तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो वाई एक्सिस पर हमारा 6 आ जाएगा। सो डी को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अगर हम पी पर आते हैं सो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, सो हमारा नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी, एक्स के लिए -12 आ जाएगा एंड वाई के लिए हमारा 6 आ जाएगा। सो हमारा फिफ्थ का आंसर -12 एंड 6 हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। थैंक यू सो मच।